नमस्कार आदाब काल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड रिपोर्टर सेकेंड एंड थर्ड ऑफ फेबर ओके सो कुछ इश्यूज की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया इश्यूज कुछ इस तरह से हैं मैं कहीं और आया हुआ हूं तो दैट्स व्हाई मैं यहां पर इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है कि मैं लाइव क्लासेस ले पाऊं बट आपके लिए डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल कराऊंगा अगले कुछ दिनों के लिए अगले तीन चार दिन तक मैं बाहर रहने वाला हूं सो so, uh, अब आज हम बात करेंगे 2nd एंड थर्ड फरवरी 2021 की सो दिस इज द डेली करंट अफेयर्स शो जो कि रोज सुबह 8:00 बजे इसी चैनल पर आता हूं आपके लिए लेकर मैं स्टार्ट uh, करते हैं सेशन को एंड ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा जो कि है एट द रेट के कार्ट जहाँ पर आपको इस क्लास की सारी की सारी पी एंड मेरी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है इनकेस मैं किसी दिन क्लास नहीं ले पाऊँ तो भी आपको मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ सो स्टार्ट करें सेकेंड एंड थर्ड फेबर चलिए पहली न्यूज आप सभी के सामने आई है जो कि आई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि है प्रकाश जावेडकर जी कौन है प्रकाश जावेडकर जी हैं इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया है एक मैरिन मेगा फोनास ट्रेंडिंग गाइडलाइंस एंड नेशनल मैरिन टर्टल एक्शन प्लान सो जैसा इसका नाम है वैसा इसको आपको समझ में आ रहा होगा ये आपका रिलेटेड है एनिमल से रिलेटेड है जो कि आपके पानी में रहते हैं एंड नेशनल मैरिन टर्टल जो टर्टल आप जानते हैं ठीक है सो so, उनसे रिलेटेड आपका उनको प्रिजर्व करना उनको बचाना उससे रिलेटेड प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एक रिलीज किए गए कुछ गाइडलाइंस को

अगली न्यूज हमारी जापान से आई है इंडिया एंड जापान दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में एक पांचवी ज्वाइंट मीटिंग होल्ड की ओके और ये आपकी हुई थी किस चीज की मीटिंग थी ये थी इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम एक्ट ईस्ट फोरम यहाँ पर थी न्यू दिल्ली अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इंडिया जापान तो ठीक है बट यहाँ पर एक्ट ईस्ट का मतलब क्या है ये एक्ट वो कोई एक्ट नहीं है कि बिल है या कुछ ऐसा है जो आप देखते हो पार्लियामेंट का एक्ट ये बना वो बना वो वाला एक्ट नहीं है ये है एक्ट ईस्ट की मीन्स एक्ट एक्ट

पोर्शन है यहाँ पर आपका जो कंट्रीज है उनके साथ इंडिया अपने जो संबंध है वो अच्छे बनाने के लिए एक्ट ईस्ट एक पॉलिसी को यहाँ पर लेकर आया था और इसी के तहत इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम यहाँ पर बनाई गई और इसी का आपकी पांचवी ऐसी मीटिंग यहाँ पर इंडिया जापान के बीच में हुई है और ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में इस बार हुई है राइट सो ये एस्टेब्लिश किया गया तो दो में जहां पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो आपका इधर के असम साइड के एरियाज माने जाते हैं यहां पर एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहां पर सो so, उनकी मॉडर्नाइजेशन यानी कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहां पर ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ दोनों देशों ने मिलकर काम करने की सोची जिसमें आपके बहुत सारी चीजों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपके लिए गए रिलेटेड टू द कनेक्टिविटी हाइड्रो पावर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट टू नॉर्थ ईस्ट रीजन अभी तक सोलह सौ करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं आपकी जापान के द्वारा एंड इंडिया ने अभी फिलहाल हाल ही में आपका एक स्मार्ट सिटी

बहुत सारी कंट्रीज के साथ मीटिंग वीटिंग होती रहती है ठीक है तो क्या इट इज गुड टू लर्न ओल दी माइंड में आता है कि सर मीटिंग तो हमेशा होती रहती है रोज ही कोई ना कोई कंट्री के साथ मीटिंग हो रही है है तो क्या खास बात है इस बार कि हम इसी को क्यों याद रखें या सबको याद रखना है क्या इशू है तो इसमें देखो जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें मीटिंग में आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हो कहीं से पढ़ते हो तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर उस कंट्री के साथ जो मीटिंग है उसमें क्या खास बात क्या लगी उसमें खास बात क्या लगी अगर वो खास बात ऐसी है जो वो मीटिंग को कुछ हटकर या कुछ अलग बनाती है तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है अब ये देखो ये वाली जो न्यूज है इसमें यहाँ पर इंडिया के जापान के साथ कोई नॉर्मल आपके एग्रीमेंट्स नहीं किए जा रहे ये केवल और केवल इंडिया के जापान के साथ जो मिलकर काम किया जा रहा है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनस के लिए किया जा रहा है तो इसमें क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा कि इंडिया ने हाल ही में या फिर इंडिया ने कौन सी ऐसी कंट्री के साथ एक फॉरम क्रिएट किया हुआ है जो कि बेसिकली रिलेटेड है नॉर्थ

आ जाता है कि हाँ भाई बताओ भी चार हजार बेड टीचिंग हॉस्पिटल जापान के द्वारा जो बनाए जाने हैं वो कौन सी जगह बनाए जाने हैं कोहिमा में बनाए जाने हैं समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है जापान का स्टैटिक फैक्ट हुआ अगली न्यूज़ है आपकी कारगिल कारगिल ये है आपका C A R G I L L ठीक है सो so, कोलैबोरेशन किया है यून

नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी एंड पोषण अभियान ओके सो यहां पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी एंड पोषण अभियान के साथ ही आपका कनेक्टेड है एंड टू एड्रेसू विद ऑफ द चाइल्ड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स ये भी इनसे ही रिलेटेड है आपका so यहां पर आपका बेसिक जो फंडा है पहली चीज़ तो पहला question जो इसमें से बनेगा बनेगा वो यही बनेगा कि ने किसके साथ साथ किया किया है है के और किसके साथ किया सीआरबी के साथ किया है, है।, है। यहाँ पर तीनों ने मिलकर यहाँ पर किसके कौनसी जगह पर, पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया राइट right आंसर उसका जयपुर राजस्थान रहेगा तो जयपुर भी पूछ सकते हैं लोकेशन पूछी जा सकती है इन तीनों का आपस में कोलेबोरेशन कौन सा किसके साथ किया ये पूछा जा सकता है ओके और ये प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा सपोर्ट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है ये कुछ इसमें क्वेश्चन एक ये इंपॉर्टेंट बन सकता है राइट और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है लाइक द रिलेटेड टू द माल न्यूट्रिशन कुपोषण से शिकार जो बच्चे हैं उनके लिए प्रेग्नेंट मदर्स uh, के लिए यहाँ पर आपका प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए यहाँ पर यह आपका किया गया है जो uh, किसी भी तरह का कुपोषण एनीमिया का आपका रिलेटेड टू दैट ओके सो प्रोग्राम में आपका बेसिक जो एम है वो ये है आपका जो न्यूट्रिशन इनटेक है मींस जो आप खाते हो इन फर्स्ट थाउजेंड डे ऑफ द चाइल्ड लाइफ एक बच्चे के थाउजेंड डे यानी कि आप लगभग मान के चलते हैं कि तीन साल से ज्यादा ही होगा साढ़े तीन साल ही कह लीजिए ठीक है, है साढ़े तीन साल तक एक जो बच्चा जन्म लेता है यहाँ पर ठीक है सो उसके लिए यहाँ पर किस तरह का उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है इसके बाद इट विल कोलैबोरेट विद द आंगनवाड़ी सेंटर ओके आंगनवाड़ी सेंटर से कोलैबोरेट करेगा टू तो एनहेंस न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ द टेक होम राशन सर्व टू तो द चिल्ड्रन प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेटिंग मदर्स ओके सो तो ये आपका कोलैबोरेशन हुआ है अगली न्यूज़ पे चलते हैं ये ये आपका स्टैटिक फैक्ट हो गया ये भी इंपॉर्टेंट है है नेक्स्ट न्यूज हमारी आई रिपोर्ट आईजीआर का मतलब रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक 2020 ट्वेंटी okay? यहाँ पर आई है दूसरा एडिशन है इसका जिसमें महाराष्ट्र ने आपका टॉप स्पोर्ट हासिल किया है एक इसमें मैं सीधा आपको ये टेबल पर लेकर चलता हूँ ठीक है ऊपर वही चीजें लिखी है दोबारा आते हैं उस टेबल पर क्या क्या है ये देखो इसमें दो चीजों को वाइफरकेट किया गया एक तो किया गया लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स ठीक है दूसरे किए गए हैं स्मॉल स्टेट्स, ओके सो तो लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स में टॉप किया है महाराष्ट्र ने स्कोर इसका ये वाला है ओके okay, और स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया त्रिपुरा ने जिसका स्कोर ये वाला है अब ये आखिरकार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये है क्या चीज ये है कि आपकी जो स्टेट है वो आपका कितनी जल्दी आपको जस्टिस दिला रही है बेटर जस्टिस डिलीवरी अमंग द 18, 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट थे जिनकी पॉपुलेशन एक करोड़ से ज्यादा है उनको कहा जाता है और उसके अलावा सात स्मॉल स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन एक करोड़ से कम है और इसमें बाकी जो स्टेट्स बचे हुए हैं उनको रैंकिंग नहीं दी गई है यह ध्यान रखना उनको रैंकिंग नहीं दी गई है एंड इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज किया गया है इस रिपोर्ट को यहाँ पर एंड इट इज इंडियाज ओनली रैंकिंग ऑफ द स्टेट बेस्ड

स्कोर सिर्फ टॉप का याद रख लेगा और बाकी दोनों के रैंकिंग याद रख लेगा ठीक है और ये किसने रिलीज किया है ये इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है आपसे चार पिलर्स कौन से हैं ये पूछे जा सकते हैं और टोटल कितनी स्टेट्स को रैंकिंग दिया गया है अठारह और सात को रैंकिंग दिया गया ये भी पूछा जा सकता है अगली स्लाइड पर चलते हैं टोटल अगर मैं चार पिलर्स की बात करूं उनके अलग अलग 53 इंडिकेटर्स से अलग अलग जगह से कलेक्ट जो डाटा किया जाता है वो थे आपके एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वीमेन जो कि आपके इसमें वीमेन एम्पावरमेंट या फिर डिस्क्रिमिनेशन जो होती है के साथ, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया लाइक द नंबर ऑफ वीमेन जो जजेस हैं पुलिस एंड पुलिस ऑफिसर्स में कितने हैं प्रीजन स्टाफ में वीमेन कितनी है लीगल एड पैनल लॉयर्स में कितनी वीमेन है उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया अगर मैं यहाँ पर पिलर जो चार पिलर मैंने बनाए अलग अलग यहाँ पर देखो रैंकिंग अलग अलग लिखी हुई तमिलनाडु ने टॉप किया राजस्थान किया, किया, ने टॉप किया महाराष्ट्र ने टॉप किया कर्नाटका ने स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आपका गोवा ने और यहाँ पर सिक्किम ने ओके okay, सो so ये आपकी अलग अलग बाइफर्केशन भी आ गई टाटा ट्रस्ट रतन टाटा चेयरपर्सन मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है अगली न्यूज यहाँ पर इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक कौंसलर डायलॉग 2021 हुआ ओके ट्वेंटी ट्वेंटी कौंसलर डायलॉग हुआ बेसिकली ये चीज़ आपकी आजकल ज्यादा चल रही है इंडिया बांग्लादेश के संबंध के बारे में क्योंकि ये जो वर्ष है दो ये बांग्लादेश के जो इंडिपेंडेंट हुए ये पचास साल हो चुके हैं तो इस बार ये मुझे इंटन uh, हो रहा है कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट दीज द न्यूज रिलेटेड टू दी बांग्लादेश कोई भी न्यूज बांग्लादेश से रिलेटेड आती है दे विल डेफिनेटली आस्क यू अगर चाहता है कि हाँ मैं कि मैं कवर करूं 50 साल 50 साल हो चुके हैं बांग्लादेश को आपका इंडिपेंडेंट हुए और उसके इंडिपेंडेंट करने में अहम भूमिका आपकी इंडिया ने ही निभाई थी so, यहां पर सेकेंड इंडिया बांग्लादेश कौनसल डायलॉग ट्वेंटी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है आयोजित ठीक है सो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड द काउंसलर वीजा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट मैटर्स एंड 50 साल यहाँ पर लिखा हुआ है एंड नेक्स्ट आपकी जो मीटिंग होगी वो ढाका बांग्लादेश में होगी ये आपको 2017 में हुआ था काउंसलर बेसिकली क्या होता है काउंसलर होते हैं लाइक like दी जो वीजा आपके एक दूसरे देशों में के बीच में वीजा आपका अप्लाई किया जाता like है लाइक दी एम्बेज होती हैं उनको आप काउंसलर कह सकते हो ऐसे तो डिफरेंस होता है बट ठीक है एक देसी भाषा में हम कह सकते हैं उनको एंड डायलॉग वाज इनिशिएटेड इन 2017 इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय द संजय भट्टाचार्य इंडिया की तरफ से इसको संजय भट्टाचार्य जी जो कि अलग अलग पोस्ट पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट इशू करना वीज़ा वगैरह वगैरह वो इन सब मैटर्स को देखते हैं बांग्लादेश शेख हजीना वाजेद बांग्लादेश की कैपिटल ढाका एंड बांग्लादेशी टका है वहाँ की करेंसी है इंडिया आपका तीसरे स्थान पर आया है साइंटिफिक पब्लिकेशंस में सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में यहाँ पर हैज अनाउंस किया है अनाउंस किया है यहाँ पर इंडिया आपका तीसरे स्थान पर आया तीसरा स्थान किस में ये है आपका साइंटिफिक पब्लिकेशन में मीन साइंस जनरल आप जो पब्लिश करते हो या साइंस से रिलेटेड आपकी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपकी पब्लिश की जाती हैं यहाँ पर रिसर्च वग़ैरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड यहाँ पर आपकी की जाती है पब्लिकेशन उसमें यहां पर इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड चाइना ने टॉप किया इसमें और यूनाइटेड स्टेट सेकंड स्थान पर रहा एंड द डाटा इज प्रोवाइडेड बाय द यूएस एजेंसी द नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ द थ्री जीरो फोर फाइव पेटेंट फाइल्ड इन टू थाउंडन बाई द इंडियंस ओके वन आपका इंडियंस के द्वारा यहां पर किए गए हैं पेटेंट्स की बात करूँ जो अगर 2017-18 के डाटा जिसमें पेटेंट्स अगर फाइल किए हैं पेटेंट्स क्या होता है मीन मैंने कह दिया कि ये चीज़ मैंने बनाई है तो उस पर मेरा हक हो गया मेरे ये अथॉरिटी है तो उस पर हम ट्रेडमार्क पेटेंट नाम सुने होंगे आपने तो वो चीज लगवा देते हैं हम ठीक है तो वो कोई उसको कॉपी नहीं कर पाता ऑफ दन फाइव पेटेंट्स फाइल्ड बाय द इंडियन एट द इंडियन पेटेंट ऑफिसर ड्यूरिंग दू थान सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ देम वर्क फ्रॉम दी महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु एंड दिल्ली से थे ओके सो यहाँ पर आपका टोटल अगर मैं इंडियंस की बात करूं इंडिया के पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड हुए थे पंद्रह हजार पांच सौ पचास ओके पंद्रह हजार पांच सौ पचास इंडियंस के द्वारा यहां पर आपके किए गए थे ड्यूरिंग एंड इट बी नोटेड दैट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम वन वन थ्री एट टू फाइव करोड़ इन सेवनटीन एटीन टू वन टू थ्री एट फोर सेवन करोड़ इन एटीन नाइनटीन ओके सो ये आपके एक लाख तेरह हजार आठ सौ पच्चीस करोड़ टू एक लाख तेईस हजार आठ सौ सैंतालीस करोड़ रुपए यहाँ पर आपके खर्च किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर्षवर्धन जी यहाँ पर आपके हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली है डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही काम करता है

के बाद यहां पर नियर अबाउट उसमें सिक्सटी फोर परसेंट लोगों ने यह भी माना कि हाँ क्लाइमेट जो बदल रहा है वो हमारे लिए एक एमरजेंसी सिचुएशन है हमारे लिए ग्लोबल लेवल पर एमरजेंसी है और उसको चेकआउट किया जाना चाहिए जरूर सो so, सर्वे को कंडक्ट किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अलोंग विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड थी ओके एंड यूनाइटेड किंगडम स्पैंडिफ्टी कंट्रीज एंड कवर्ड फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ दर्ल्ड पॉपुलेशन ओके सो यहां पर आपका छप्पन दुनिया के पॉपुलेशन को यहां पर कवर किया गया और पचास कंट्रीज

पहला क्वेश्चन बनेगा कि पिपल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने दी है सिंपल सा क्वेश्चन साफ सुथरा क्वेश्चन पिपल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने दी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कितने लोग इसमें सर्वे किए गए 1.2 मिलियन कितनी कंट्रीज थी पचास कंट्रीज थी ठीक है और इसके अलावा यहाँ पर कितने प्रतिशत जनता ने यह कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल इमरजेंसी है ये आपका जनता ने कहा एंड इसके अलावा पीपल क्लाइमेट वोट इज अ पार्ट ऑफ मिशन कौन से किसका पार्ट है 1.5 कैंपेन मिशन का पार्ट है किसने लॉन्च किया यूएनडीपी ने लॉन्च किया एंड सर्वे को कंडक्ट किया गया कि यूएनडीपी के द्वारा साथ में था कौन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड साथ में थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड साथ में थी ये भी पूछा जा सकता है और कौन कौन सा किस किस को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको मिला फॉरेस्ट एंड लैंड को सबसे ज्यादा यहां पर सपोर्ट आपका मिला है यूएनडीपी के बारे में एशियम स्ट्रेनर एंड दी न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है अगली न्यूज़ है हर्षवर्धन जी ने रिलीज किया है एड्रेस किया फोर्थ एडिशन ऑफ द एफ आई आई फॉरम ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो यहाँ पर चौथा एडिशन आया है एफ आई आई फॉरम ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जिसको यहाँ पर रियाद जो कि कैपिटल है सऊदी अरेबिया के वहां पर हुआ और इसकी थीम थी द न्यू रेनेजेंस इट वॉज होस्टेड बाई दी एफ आई आई इंस्टीट्यूट सो यहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशियटिव फोरम इंडिया की तरफ से हर्षवर्धन जी वहाँ पहुंचे द न्यू रेनेजेंस द इट वॉज होस्टेड बाई एफ आई आई इंस्टीट्यूट यूनि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एड्रेस किया यहाँ पर इस

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहां पर इन्होंने रिलीज किया है आपका 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ओके 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यहां पर रिलीज किया जिसमें इंडिया का रैंक यहां पर एट्टी आया है ओके okay, इंडिया का रैंक यहां पर एट्टी आया है यहाँ पर पिछली बार इंडिया का रैंक यहां पर 80 था इस बार 86 हो गया यानी करप्शन बढ़ी है इन कंपैरिजन टू 2019 सो so उसके अलावा यहां पर जीरो का मतलब हाईली करप्ट और 100 का मतलब है वेरी क्लीन ये एक रैंकिंग स्कोर से मतलब है यहां पर आपका एंड स्कोर जितना ज्यादा है यानी कि वो उतनी ही आपकी साफ सुथरी कंट्री है वहाँ पर करप्शन उतना कम है यहाँ पर नीचे आप चलते हैं सीधा टेबल पर ही लेकर चलता हूँ इससे इजीली समझ में आ जाएगा नंबर वन पर न्यूयॉर्क न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क रही तो नंबर वन और टू की कंट्रीज एक साथ हुई तो नंबर टू पर कोई नहीं है फिर थ्री पर यहाँ पर फिनलैंड यहाँ पर आपकी रही ठीक है फिनलैंड स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर रही फिर नॉर्वे रही हुई नीदरलैंड रही हुई लग्जमबर्ग एंड जर्मनी रही खैर ये नीचे वाली कंट्रीज आई डोंट थिंक ये पूछेंगे यहाँ से लेकर नीचे तक एक दो तीन ये टॉप वाली कंट्रीज याद रख लो न्यूजीलैंड डेनमार्क फिनलैंड स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर ये आपकी कुछ कंट्रीज इनको याद रख लो बस दैट्स इट और इंडिया का रैंक एट्टी सिक्स है इंडिया ने किस किस के साथ रैंक शेयर किया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ रैंक शेयर किया अगर ये याद हो जाता है आपको कि इंडिया ने किसके साथ रैंक शेयर किया है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में तो याद होती है ये चार पाँच जो छह कंट्रीज हैं ये याद कर लो कोशिश करना करने की अगर ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो ये बन जाएगा ठीक है हाँ अब ये बात पर देखने वाली यहां पर आपकी कि लिस्ट हैज बाय न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क ये तो मैंने आपको बता दिया सोमाली एंड साउथ सूडान सोमाली एंड द साउथ सूडान रैंक लोवेस्ट रैंक लोवेस्ट एट दल सेवेंटी नाइन्थ पोजिशन विद द स्कोर ऑफ ट्वेल्व ओके सो यहाँ पर जो सबसे कम यानी कि सबसे ज्यादा करप्ट है वो कौन से शुमाली एंड द साउथ सूडान ओके सो ये दो कंट्री सबसे ज्यादा करप्ट है यहाँ पर वन एट्टी कंट्रीज टोटल हैं इसमें जो शामिल की गई हैं यहाँ पर एंड आई थिंक यू एन डी पी का गलती से यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पर एक्चुअली आपको देना था इसका इसका यहां पर देना ट्रांसपरेंटरी नेशनल का स्ट्रेटिव चलो खुद सर्च करना आ, हम जब एम सी क्यू क्लास अच्छा एम सी क्लास के बारे में बता दो एम सी क्लास अभी नहीं होगी एम सी क्लास मैं संडे को लूँगा जित संडे तक जो जो मैं करंट अफेयर्स करा रहा हो अच्छे से रिवाइज कर लेना संडे को एक साथ मैं सारी की सारी एम सी क्लास कवर कर लूंगा ठीक है संडे को सारी की सारी मैं वन शॉट में सारी की सारी एम सी क्लास ले लेंगे आ, सारे के सारे दिन की पूछ लेंगे एक हफ्ते की ठीक है तो एम सी क्यू क्लास यार वो लाइव लेनी होती है तो लाइव में इतना ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं लाइव ले नहीं पाऊँगा और वो रिकॉर्डिंग अनकेडमी में ऐसे होता नहीं कि रिकॉर्डिंग हम डाल दो यूट्यूब पे तो ऑप्शन होता है तो लाइव के लिए इंटरनेट थोड़ा अच्छा चाहिए वो घर पर ही अवेलेबल रहता है ठीक है सो so ये आपका इंडिया स्लिप ट्वेंटी सिक्स ये अच्छे से याद कर लेना उम्मीद करता तो हूँ आप समझ के होंगे करप्शन से रिलेटेड है टॉप किसने किया है किसके साथ इंडिया ने शेयर किया है लोवेस्ट पे किसका रैंक रहा है ये पूछा जाता तो है किसने रिलीज़ किया ये भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज़ किया है अगली खबर है एच बैंक ने पार्टनरशिप किया है सी के साथ ओके सी एस सी के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया है किसने की है एच बैंक ने सो एच डी एफ सी बैंक एंड दी एस सी ई गवर्न सर्विस लिमिटेड एक स्पेशल वहीकल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट सर्विस ई एम आई सर्विस यहाँ पर लॉन्च की है जिसके तहत बी सी जो है वो आपका एच डी एफ सी बैंक के ई एम आई कलेक्ट कर सकते हैं अब ये न्यूज क्या है मैं एक छोटा सा इसको जिस्ट में बता दू छोटा समराइज फॉर्म में बता दू आपकी न्यूज अपने समझ में आ जाएगी देखो बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं रूरल एरियाज में जहां पर आपका बैंक की या फिर कह सकते हैं रूरल एरिया के लोग जो होते हैं वो बैंक में नहीं आ पाते क्योंकि बैंक बहुत दूर दूर होते हैं तो उसको बी सी या तो जो बिज़नेस कॉरस्पॉन्डेंट्स जो कि एक पर्सन ही होते हैं आप जैसे से, मेरे जैसे आपके वो लोगों को यहाँ पर रखा जाता है बैंक के द्वारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है आपकी उनको रखा जाता है इन लोगों के पास एक मशीन होती है जिसको हम पी मशीन कहते हैं स्वाइपिंग मशीन कहते हैं देखी होगी ये रूरल एरियाज़ में जा जा कर वहाँ पर जाते हैं और वहां पर स्वाइप करवाते हैं उनके पास सहे थम इम्प्रेशन हो ठीक है थंब इम्प्रेशन से भी आप पेमेंट ले सकते हैं उनको जमा कराना है, पैसा वो करवा सकते हैं तो अलग अलग तरीके की जाएगा अगर कोई ई भरवानी है किसने ई एम मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी किसी को अपने लोन की किस्त जमा करवानी है तब भी ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू आप जमा करवा सकोगे एंड ये आपका जमा करा सकता है ये आपके हैं सी Uh, that is the common service. सेंटर्स ओके कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके अलग अलग राज्यों में हम इनको अलग अलग नामों से जानते हैं लेकिन जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला तो राजस्थान में ई मित्राज होते हैं ठीक है इसी तरह से अलग अलग जगह पे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जहां पर आप जाते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम आप करवा लेते हैं लाइक दे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है आपको कोई भी और गवर्नमेंट के बिल्स वगैरह पे करने हैं आपको टेलीफोन का या फिर आपको जो बिजली के बिल्स पे करना है तो ऐसे बहुत सारे इलाके जगह हैं वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं वही चीज है आपकी अब एचडीएफसी बैंक ने क्या किया कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ आपका टाइप किया जिसके तहत तो वहां पर लोग जाकर एचडीएफसी बैंक के लोन की किस्त भी जमा करवा पाएंगे ओके okay, सो so ये पूरी पूरी न्यूज का यहाँ पर सार रहा ओके सो यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में लिखा हो सी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड सेटअप किया गया था कंपनी के तहत एंड इसके तहत सी एंड एच बैंक विल यूज दर्विस ऑफ बी टू कलेक्ट द रेगुलर ई ओके सो ये सारी सारी ई इन इन लोन्स आप ले पाएंगे एच डी एफ सी बैंक के बारे में मुंबई महाराष्ट्र शशिधर जगदीशन एंड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड यहाँ पर टैगलाइन है अगली खबर है ग्लोबल पब्लिक डेट टू तो टच 98 ऑफ जीडीपी इन 2020 ट्वेंटी कोविड क्राइसिस आईएमएफ सो यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है ग्लोबल पब्लिक डेट टू टच 98 ऑफ जीडीपी okay, so यह पर आपका देखने को ये मिल रहा है कि जो आपका जी डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में इसको कहते हैं सो so यहाँ पर गह, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 2020 में आपका आ, नहीं ऐसा नहीं है ये थोड़ा सा कुछ पोच होगी दोबारा से देखते हैं सो so, यहाँ पर जीडीपी का अट्ठानवे प्रतिशत आपका पब्लिक डेट हो जाएगा मीन्स लोन जो लिया हुआ आपने दूसरे देशों से या किसी दो ऑर्गेनाइजेशन से आपने जो लोन लिया हुआ है वो यहां पर पूरी दुनिया में जो लोन है पूरी दुनिया का नाइंटी एट मान लो जीडीपी आपकी सौ रुपये चल रही है ठीक है तो यानी कि सौ रुपये के कंपेरिजन में अठानवे रुपए आपने लोन ले रखा है इतना आपका यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे लोन आपका एक दूसरी कंट्री से ज्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं ऐसा एक डाटा

बढ़ते रहे तो एक इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो सौ तो प्रतिशत भी हो सकता है आई एम प्रोवाइडेड फाइनेंसिंग टोटलिंग अबाउट 105 मिलियन टू मोर देन 80 कंट्रीज एंड मैक्सिमम लैंडिंग वन ट्रिलियन डॉलर ओके वन ट्रिलियन यूएस डॉलर ये आपकी मैक्सिमम लैंडिंग कैपेसिटी आई एम एफ की ट्री के क्वेश्चन की बात करें तो ये आई एम एफ की एक ट्रिलियन डॉलर की जो कैपेसिटी है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आई एम एफ ने अब तक एट्टी कंट्रीज को एक सौ पांच विलियन दिया है ये आपका एक डाटा फिगर आई है एग्जाम so, पॉइंट से जो जो राउंड किए हैं अंडरलाइन की इंपॉर्टेंट है, है चीजें याद कर लीजिए नीचे आई एम एफ का स्ट्रेटिक फैक्ट है नेक्स्ट है श्याम श्रीवासन को अवार्ड दिया गया बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर ओके एमडी एंड सीईओ है आपके फेडरल बैंक के के फेडरल बैंक एमडी एंड सीईओ नाम है श्याम श्रीवासन इनको यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 अवार्ड दिया गया ये आपका चुनाव उनको पांच मेंबर की ज्यूरी पैनल था एंड बिजनेस स्टैंडर्ड का जिसको चेयर किया था आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस एस मुन्द्र ने एन एनसली सिलेक्टेड श्याम श्रीवासन फॉर दिस अवार्ड सो बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड श्याम श्रीनिवासन बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर ये बिजनेस स्टैंडर्ड जो आपके इनके द्वारा जूरी पैनल हेड किया गया था एस मुंद्रा के द्वारा जो कि पहले आपके डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं धनलक्ष्मी बैंक ने अपॉइंट किया जेके शिवान को एस एम डी एनसी के जेके शिवान धनलक्ष्मी बैंक के आपके एमडीएनसी चुने गए हैं तीन सालों के लिए जगह लेंगे सुनील गुरबक्षनी की सुनील गुरबक्शनी की जगह लेंगे धनलक्ष्मी बैंक थ्रीसुरडक्वार्टर है इंडिया यहां पर होस्ट करने आ रहा है 2022 का ए एफ सी वीमेंस फुटबॉल एशिया कप को यहाँ पर 2022 का जो वीमेन्स फुटबॉल एशिया कप है यहाँ पर इंडिया को इसके लिए होस्टिंग राइट्स मिल गया फॉर द फर्स्ट टाइम इवेंट में यहाँ पर 12 टीम्स यहाँ पर रहेंगी एशिया में अहमदाबाद एंड नवी मुंबई में यहाँ पर दो नए वेन्यूज बनाए गए हैं जहां पर ये खेल खेले जाएंगे एंड द इवेंट विल एक्ट एज अ क्वालिफायर टू ट्वेंटी का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप रहेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाला है वहां पर अगर इसको कोई जीता है तो वो वीमेन क्वालिफायर मतलब एक एज अ क्वालिफायर भी काम

वाला है यहां पर कहां पर यह होने वाला है आपका इंडिया में और अहमदाबाद नवी मुंबई यहाँ पर ये हो सकता है ये, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का फीफा वीमैन वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो रहा है इंडिया ने इससे पहले कब किया था उन्नीस सौ अस्सी में कहाँ किया था ये पूछा जा सकता है कौन इसमें जीता था ये पूछा जा सकता है इंडिया क्या स्थान पर रहा था रनर अपे पूछा जा सकता है अगर मैं फिलहाल की इंडिया वीमेन्स फुटबॉल टीम की बात करें मेमोल रोकी वहाँ के हेड कोच हैं कैप्टन इसकी आशलता देवी है एशियन फुटबॉल कैटेडरेशन के बारे में भी लिखा हुआ है जिसका हेडक्वार्टर कौलाल लमपुर में है अगली खबर कजा कलास बिकम एस्टोनिया एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ये बनी है और ये बनी है से से प्राइम मिनिस्टर वहां के प्रेसिडेंट का नाम है करसेती okay, so ये मत हो जाना ये प्रेसिडेंट का नाम है और कजा कलास वहां की प्राइम मिनिस्टर का नाम है इनको अपॉइंट किया गया है अगली खबर है शहबाल गुप्ता डॉक्टर शहबाल गुप्ता पटना में बेस्ड हैं और पटना के रहने वाली रिनाउंड हैं एंड फाउंडर रह चुकी है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की इनका हाल ही में निधन हो गया पटना बिहार में एंड ही हैज बीन रनिंग द एडीआरआई टू कैरी आउट द ग्राउंड वर्क इन दील्ड ऑफ द सोशल रिसर्च नाइनटीन से काम कर रही है और ये डायरेक्टर रह चुके हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस की डायरेक्टर रह चुके हैं आंध्रा बैंक की भी एज वेल हीज वर्क फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक लंदन

Ultimate level mock test series, जो कि आपके अच्छे-अच्छे को टक्कर देती है, जैसे के के लिए लिए करते हैं, हैं। वैसे ही mock test के लिए रख सकते डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं फाइव हंड्रेड रुपीज में आने वाले सभी के सभी बैंक एग्जाम इंश्योरेंस एग्जाम के आपको टेस्ट प्री मेन्स हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज मेरे द्वारा बनाए गए uh, जनरल अवेयरनेस के टेस्ट जो एक्सक्लूसिव बनाता हूँ से बनाता हूँ वो भी इसके अंदर इंक्लूड है मिनी टेस्ट जो कि प्रैक्टिस के लिए हम इंक्लूड करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है और यू शुड गो फॉर दिस टेक केयर बाय बाय एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन जो कि करंट अफेयर्स में लूंगा लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा बट डेफिनेटली रिकॉर्डिंग सेशन आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा इनकेस अगर पॉसिबल होगा लाइव लेना तो लाइव अगर नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो तो लाइव भी ले लिया करूंगा आठ बजे बट आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू इन दी अर्ली मॉर्निंग कि मैं लाइव ले रहा हूँ या रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ टेक केयर बाय एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीपडिंग ऑल द बेस्ट